देखो एक नॉर्मल मॉनिटर और गेमिंग मॉनिटर के अंदर ना बहुत ज्यादा फर्क है। आप नॉर्मल मॉनिटर के ऊपर गेमिंग नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर अपने पास गेमिंग मॉनिटर है ना उसके ऊपर तो हम सब कुछ कर सकते हैं। एंड कईयों को ना ये चीज लगती है कि 20,000 के बजट के अंदर ना हमें सिर्फ फ्लैट मॉनिटर्स मिलते हैं, लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि 20,000 के बजट के अंदर ना कमाल के हमें कर्व मॉनिटर्स भी मिल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 फ्लैट मॉनिटर्स बताऊंगा एंड 2 ऐसे मॉनिटर हैं जो कि कर्व मॉनिटर है, लेकिन सारे मॉनिटर गेमिंग के लिए दी बेस्ट रहेंगे। इनका रिफ्रेश रेट एंड डिस्प्ले क्वालिटी दी बेस्ट है। तो सबसे पहले चेक करते हैं BenQ के मॉनिटर को, BenQ Mobius। इसका जो करंट प्राइस है ना दैट इज अराउंड 20,000 रुपीस एंड इसके अंदर हमें 27 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, फुल HD IPS एंटी ग्लेयर 1080p डिस्प्ले की। बेजललेस डिजाइन है इसका, डिजाइन इसका काफी यूनिक सा लगता है दिखने के अंदर। एंड सबसे बढ़िया चीज मुझे इसके अंदर जो लगती है ना, इसकी हाइट एडजस्टेबल है, साथ में टिल्ट एडजस्टमेंट है एंड उसी के साथ ही स्वेवल भी हो जाता है। एंड इसी बजट के अंदर हमें जो बाकी सभी मॉनिटर्स मिल जाते हैं ना मार्केट वाले, उसके अंदर हमें सिर्फ हाइट एडजस्टमेंट की ऑप्शन दे रखी होती है। तो ये मॉनिटर काफी अच्छा है एक्चुअल में। इसकी डिस्प्ले को चेक करें तो 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया, 400 निट्स की ब्राइटनेस इंटेलिजेंस के साथ ही sRGB 99% है, HDR10 की सपोर्ट के साथ, AMD FreeSync एंड साथ में 1 मिलीसेकंड इसका रिस्पांस टाइम है। अब देखो जिसको नहीं पता, तो जो ब्राइटनेस इंटेलिजेंस होती है ना वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेती है अपनी ब्राइटनेस को सीन के अकॉर्डिंग। तो अगर सीन ज्यादा डार्क है ना, उसने अपने आप ही ब्राइटनेस को एडजस्ट करके आपको प्रॉपर दिखा देना, एंड जहां पे बहुत ही ज्यादा एक्सपोजर मिल रहा ना उसे फिर इसने अपने आप कम भी कर देना। पोर्ट्स को चेक करें, 2 HDMI पोर्ट मिल जाती है, 1 DB पोर्ट एंड साथ में हेडफोन जैक। HDMI केबल हमें साथ में मिल जाएगी, 2.5 वाट के 2 स्पीकर दे रखे हैं, वॉल माउंटेबल है, टिल्ट स्विवल एंड हाइट एडजस्टमेंट, एंड इसके अंदर हमें पूरे 3 साल की वारंटी मिल जाती है। बढ़िया मॉनिटर, आप इसे जरूर कंसीडर करो। BenQ के मॉनिटर्स काफी अच्छे होते हैं, मैं अपने स्टूडियो के अंदर 2-3 मॉनिटर्स यूज कर रहा हूं BenQ के, काफी अच्छा एक्सपीरियंस है इसके साथ मेरा। अगला आ गया LG का मॉनिटर, 22,500 रुपए इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस है। अगर आप इसे डिस्काउंट के अंदर बाय करते हो ना 21,000 में आपको ये मॉनिटर इजीली मिल जाएगा, लेकिन इसकी जो डिस्प्ले रेजोल्यूशन है ना वो BenQ वाले से बहुत ही ज्यादा अच्छी है, क्योंकि 27 इंच की डिस्प्ले हमें इसके अंदर भी मिल रही है, QHD डिस्प्ले है, IPS एंटी ग्लेयर, उसके अंदर हमें फुल HD मिल रही थी बट इसके अंदर हमें QHD मिल रही है, 10 बिट डिस्प्ले 2560x1440 पिक्सल्स, बेजललेस डिजाइन है इसका भी एंड ये G-Sync कंपैटिबल भी है। AMD FreeSync प्रीमियम के साथ ही 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया, 99% sRGB, 350 निट्स की पीक ब्राइटनेस, 1 मिलीसेकंड इसका रिस्पांस टाइम है एंड साथ में HDR10, 2 HDMI, 1 डिस्प्ले पोर्ट एंड साथ में हेडफोन आउटपुट, ये सारी हमें इसके अंदर पोर्ट्स मिल जाती है। जो DP केबल है वो हमें बॉक्स के साथ मिल जाएगी, 3 साल की वारंटी इसके अंदर भी दे रखी है, वेसा वॉल माउंट, टिल्ट एडजस्टमेंट, इन दोनों की सपोर्ट मिल जाती है हमें। LG का मॉनिटर है, डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छी है इसकी, आप इसे भी जरूर कंसीडर करो, रेजोल्यूशन तो हमें काफी फार बेटर मिल रही है एज कम्पेयर टू दी BenQ मॉनिटर। अगला मॉनिटर आ गया Acer का, Acer Nitro मॉनिटर, ये इस बजट का ना वन ऑफ दी हाईएस्ट सेलिंग मॉनिटर है, करंट प्राइस है 19,900 रुपीस, 27 इंचेस की WQHD IPS डिस्प्ले मिल जाती है, रेजोल्यूशन बिल्कुल सेम है जो कि हमें LG के मॉनिटर के अंदर मिल रही थी, 2560x1440, एकदम ही थिन बेजल्स के साथ ही AMD FreeSync प्रीमियम को ये मॉनिटर सपोर्ट करता है, 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया, 350 निट्स की पीक ब्राइटनेस, 95% DCI-P3, 120% sRGB एंड 0.5 मिलीसेकंड इसका रिस्पांस टाइम है, वेसा डिस्प्ले है, HDR400 की सपोर्ट मिल जाती है। देखो इसका जो रिस्पांस टाइम है वो भी कम है एंड इसकी जो sRGB है वो भी ज्यादा मिल रही है, तो इसके ऊपर अपना गेमिंग के साथ ही ना अगर आप एडिटिंग करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहेगा आपके लिए। अगर आपको कलर्स बहुत ही ज्यादा मैटर करते हैं, आपने कलर एक्यूरेसी या फिर कलर ग्रेडिंग वाले काम करना चाहते हो ना, बेस्ट मॉनिटर रहेगा आपके लिए। पोर्ट्स को चेक करें, सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं, हेडफोन आउटपुट दिया गया, डिस्प्ले पोर्ट एंड साथ में 2 HDMI केबल एंड डिस्प्ले पोर्ट केबल, ये दोनों केबल्स हमें बॉक्स के साथ मिल जाती हैं, टिल्ट एंड हाइट एडजस्टमेंट के साथ ही वॉल माउंटेबल है, डुअल इनबिल्ट स्पीकर्स मिल जाते हैं हमें इसके अंदर 2 वॉट के एंड 3 साल की वारंटी मिल जाती है। देखो सिंपल चीज है कि अगर तो आपको फ्लैट मॉनिटर पसंद है, इन तीनों में से आप किसी को भी बाय कर सकते हो, ये तीनों काफी बढ़िया ऑप्शंस हैं, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं अल्ट्रा वाइड कर्व गेमिंग मॉनिटर्स की। सबसे पहला मॉनिटर है MSI का कर्व गेमिंग मॉनिटर, ये 22,400 रुपए करंट प्राइस है इसका एंड ये भी हमें 21,000 के प्राइस पॉइंट पे इजीली मिल जाएगा डिस्काउंट के अंदर। 27 इंचेस की WQHD VA एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है, 10 बिट डिस्प्ले एंड इसका जो कर्वेचर है वो 1500 है, बेजललेस डिजाइन, दिखने के अंदर एकदम सुंदर लगता है, काफी बढ़िया लुक है इसकी, 170 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया, 1 मिलीसेकंड इसका रिस्पांस टाइम है, sRGB 114%, 250 निट्स की ब्राइटनेस, UV सर्टिफिकेशंस के साथ ही AMD FreeSync प्रीमियम, नेक्स्ट लेवल गेमिंग मॉनिटर है ये वाला भी एंड इसके अंदर हमें तीनों पोर्ट्स मिल जाती है, एक हेडफोन आउटपुट की, डिस्प्ले पोर्ट मिल जाती है एक एंड 2 HDMI पोर्ट्स, एक HDMI केबल हमें बॉक्स के साथ दे रखी है, वॉल माउंटेबल है, टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ ही 3 साल की वारंटी मिल जाती है। एक चीज मुझे यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगता है इसका कि ये VA पैनल के साथ आता है, अगर इसके अंदर हमें IPS पैनल मिल जाता तो ये मेरे वीडियो का सबसे बेहतरीन मॉनिटर होना था। VA पैनल के साथ ना एक चक्कर है, देखो गेमिंग करनी है कोई दिक्कत नहीं आएगी, एडिटिंग करनी है कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इसके जो साइड वाले व्यूइंग एंगल्स है ना वो इतने अच्छे नहीं होते VA पैनल्स के, इसलिए ना मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको ज्यादातर IPS पैनल वाले मॉनिटर्स ही रिकमेंड करता हूं, क्योंकि जब भी हमने पैसे इन्वेस्ट करने हैं ना हम किसी भी चीज को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, यही रीजन होता है बस। अब बात करते हैं मेरी वीडियो के सबसे बेहतरीन मॉनिटर की, जो कि Acer Nitro मॉनिटर है। ये मॉनिटर ना अल्ट्रा वाइड है, कर्व गेमिंग मॉनिटर है, कर्व डिस्प्ले के साथ आता है एंड इसका जो डिस्प्ले साइज है वो सभी के कंपैरिजन में ज्यादा बड़ा है, 30 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है एंड IPS पैनल के साथ, 2560x1080 पिक्सल्स मिल जाते हैं, अल्ट्रा वाइड मॉनिटर है ये वाला,
इसका जो करंट प्राइस है ना वो वेरी करता है, 22,500 से लेके 23,000 के बीच में इसका प्राइस रहता है। डिस्काउंट के अंदर 1-2 हज़ार रुपए हमें कम के अंदर भी मिल जाएगा। बहुत ही थिन बेजल्स है, 1 मिलीसेकंड इसका रिस्पॉन्स टाइम है, HDR के साथ ही 400 Hz की ब्राइटनेस एंड पूरे 200 Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया इसके अंदर। AMD फ्रेसिंग प्रीमियम DCI-P3 93% है एंड साथ में 118% sRGB। देखो 200 Hz का रिफ्रेश रेट मिल रहा है आपको इस पीरियड के अंदर, दूसरे किसी मॉनिटर के अंदर नहीं मिलेगा। गेमिंग तो अपनी एकदम नेक्स्ट लेवल हो जाएगी एंड देखो sRGB 118% है, एडिटिंग इजिली हो जाएगी अपनी। 3 HDMI पोर्ट है, एक DP पोर्ट मिल जाती है, डिस्प्ले केबल और HDMI केबल ये हमें बॉक्स के साथ दे रखी है। 2 वॉट के 2 स्पीकर्स, स्विवल टिल्ट हाइट एडजस्टमेंट, वेसा वॉल माउंट को सपोर्ट करता है एंड 3 साल की वारंटी मिल जाती है। गेमिंग मॉनिटर है, बहुत ही बढ़िया मॉनिटर है, आप इसे जरूर कंसीडर करो। सो याद दीजिए बेस्ट गेमिंग मॉनिटर्स अंडर 20,000 रुपीज। देखिए सिंपल चीज है, 3 मैंने आपको फ्लैट मॉनिटर बताया, 2 मैंने आपको बताया कर्व मॉनिटर, इन 5 में से आपको जो भी मॉनिटर अच्छा लगता है ना जस्ट गो विद दैट ऑप्शन, इनके अलावा कोई भी ऑप्शन चूज मत करना, यही वाले सबसे बेस्ट है 20,000 के प्राइस पॉइंट पे। सभी के बेस्ट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, पीस आउट।